और भारत और अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में लेमुआ या फिर कहें लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। पहली बार लेमुआ पिछले साल उत्तराखंड में हुए युद्धाभ्यास में लागू हुआ था। हमारी संवाददाता नंदिता डागर इस रिपोर्ट के जरिए बता रही हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर लेमुआ का असर पड़ता है। भारतीय और अमरीकी सैनिक साथ साथ आईईडी ट्रेल पर एम्बुश का अभ्यास करते हुए वे साथ साथ बारूदी सुरंगों और बूबी ट्रैप्स को नेगोशिएट कर रहे हैं। पिछले साल उत्तराखंड के चौबतिया में हुई युद्ध अभ्यास नाम की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल वो पहला मौका था जब लेमुआ हरकत में आया। अमरीकी फौजी सिविलियन एयरफील्ड पर उतर कर रोड पर सफर करने के बजाय सीधा पास के एयरफोर्स बेस पर उतरे। It's very helpful for us because I get to see the sort of operations that he did in Jammu Kashmir and then compare and contrast those with the operations that I conducted in Afghanistan. Hamara jo operations ka zor hai wo humanitarian operations pe zyada zor hai. Hum chahte hain ki hamare jo locals hain, chahe hum J&K mein operate kare ya North East mein, hum apne khud ke awam ko koi kshati zyada pahunchana nahi chahte hain, to hum जब भी ऑपरेट करते हैं हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को साथ लेकर चलते हैं, जबकि इनके ऑपरेशंस पे वो जोर थोड़ा कम है बिकॉज इनके ऑपरेशंस एक्सपेडिशनरी नेचर के हैं। ये बाहर देश में ऑपरेट करते हैं तो इन पे इनको इतना जोर नहीं है। वे लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि एक दूसरे की कार्रवाइयों और तरीकों को समझ सकें। रिफ्लेक्स शूटिंग से भी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाती है। इसे क्लिफ असॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। बहुत ही मुश्किल टेरेन में ये माउंटेन वॉरफेयर या पहाड़ों में युद्ध का अभ्यास है। जख्मियों को रस्सी या रोप वे से इवैक्यूएट किया जाता है। What is the difference that Lemua has made or logistics exchange memorandum of understanding has made to the Yudhabhyas in terms of logistics and ease of training with India? Thank you. As you can imagine, it's incredibly difficult to move military forces halfway around the world. And for that, The Lemua has made the support between the Indian and the American militaries much more convenient. And what I've seen this year was the ability to fly into Indian bases closer to the exercise location. वे अपने अपने हथियारों जैसे असॉल्ट राइफल, नाइट विजन डिवाइसेस आदि का प्रदर्शन करते हैं। आखिर में एक बड़ी वैलिडेशन एक्सरसाइज से युद्ध अभ्यास खत्म होता है। यहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा फौजियों को उतारा और निकाला जाता है। लेमुआ ऐसी ही परिस्थितियों में लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अमरीकी फौज भारतीय सैन्य अड्डों पे तैनात होगी। इसे केस टू केस बेसिस पर मंजूरी मिलती है और इसका इस्तेमाल ईंधन, रसद, मेडिकल और स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए होगा। उत्तराखंड के चौबतिया से मैं नंदिता डागर, DD News के लिए।